अस्सलाम वालेकुम। जैसे देख सकते हैं ये है टू कलर प्रिंटिंग मशीन। वैसे भी इसकी वीडियो बहुत सारी बनाई हैं लेकिन अभी ऑफ थी, तो ये टू कलर है। इसकी भी तस्वीर खींचने को बोला था लेकिन हम अब इसका पूरी वीडियो बना दे रहे हैं। दो यूनिट है, एक इस तरफ है और एक इस तरफ है, देख सकते हैं आप ये है। और पीछे वाला यूनिट ये वाला है, और यहाँ से यानी कि सफाई वगैरह करनी हो तो यहाँ से होती है, और दूसरे वाले की दूसरी तरफ से फ्रंट साइड यानी कि फ्रंट साइड से होती है। ये देख सकते हैं डबल यूनिट है, ये पैनल है। मशीन यहाँ से कंट्रोल यहाँ से भी होती है, यहाँ से इंचिंग और रनिंग भी कर सकते हैं। और वो उसका फ़ोटो सेल लगा हुआ ये वाला, ये फ़ोटो सेल है। और ये इसके बेल्ट हैं जो पेपर को रन करा के यहाँ पे स्पिन के पास लेकर आते हैं, फिर यहाँ से ग्रिपर पकड़ के अंदर लेके जाता है। और ये इसकी बैक साइड है, देख सकते हैं बैक साइड। यहाँ पे यहाँ से पेपर वाइट पेपर लगता है, फिर प्रिंट होके वहाँ लास्ट में निकलता है आखिरी में। और ये इसका इलेक्ट्रिक पैनल है जिसके अंदर कॉन्ट्रैक्टर वगैरह होता है। और ये सफाई करने के लिए इसकी बाल्टी है, ये घंटी है, जैसे स्कूल में छुट्टी होती है ना टर बजती है ये वैसे बजती है। मोटर है ये पीछे का, आपको दिखा सकता क्योंकि शेयरिंग लगी हुई है। वो देखें वो टंकी भी लगी हुई है पानी की। और यहाँ पे एक मोटर होती है बहुत बड़ी, वो भी दिखाते हैं आपको मोटर कहाँ पे होती है। ये यहाँ पे ये वाली मोटर है, और ये मशीन के अंदर का हिस्सा है, ये मशीन के अंदर का हिस्सा है, देख सकते हैं आप। यहाँ पर ऑयल पम्प भी रखा हुआ है, ये ऑयल पम्प है पूरा ऑयलिंग करने के लिए। और ये वाला जो है ना ये हमारा स्टैंड होता है, ये यहाँ पे यानी कैसे रख के ऊपर चढ़ने के लिए होता है। और अगर आपका काम ख़त्म हो गया तो आप इसको फोल्ड करके ऐसे कर दें। ये फोटो सेल है, इसको प्लेट क्लीनर बोलते हैं, गम बोलते हैं। और ये सारा मशीन का हिस्सा है, ये फोटो सेल यहाँ पे लगे होते हैं। ये देख रहे हैं ये वाला, ये रहा देखें, ये जहाँ पे मेरा हाथ है ना ये फोटो सेल है। सेफ्टी इधर भी होती है, ये भी सेफ्टी होती है, सेफ्टियाँ इसकी बहुत सारी हैं। और ये ऐसे यूं करके आता है, देख सकते हैं आप, ये बेल्ट है ना इसलिए ये नीचे आ गया। ये ऐसे होता है, इसको यूं करके खड़ा भी कर सकते हैं। एसी भी लगा हुआ है यहाँ पे, ये इसकी फ्रंट साइड है। यहाँ से ट्रॉली ऊपर नीचे होती है, और ये देखें ये अंदर का हिस्सा, यहाँ से ग्लास, ये भी सेफ्टी के तौर पे भी काम करता है, इसके अंदर सेफ्टी भी होती है। कितनी मज़ेदार मशीन है, देख सकते हैं। मैं आपको ऊपर भी चढ़ के दिखाता हूँ, ये इसका यूनिट है, ये यूनिट है। यहाँ पे पानी की ट्रे लगी हुई है, देखें यहाँ पे डंपिंग लगते हैं जो ये रखे हुए हैं। ये यूनिट है पूरा, कभी मैल आ रहा होता तो ये डंपिंग के ऊपर मारते हैं ऐसे करके, ताकि वो मैला ना आए, ख़राब ना आए, प्रिंटिंग अच्छी आए। तो ये है प्रिंटिंग मशीन, ठीक है। ये वाला अलग यूनिट है, ये इसको देता है, वहाँ से आता है, वहाँ से एक प्रिंटिंग होकर आता है, फिर यहाँ से इसको यहाँ पे नाइफ भी लगाने का ऑप्शन होता है, यानी कि मशीन की जब सफाई करनी होती है इंक, तो ये इस वाले की यहाँ से लगती है, दूसरे वाले की दूसरी तरफ से लगती है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब कुछ समझ गए होंगे। अगर YouTube पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मैंने आपको काफ़ी कुछ समझाया है।